E aí, é você? हेलो गाइस, शाम के हो रखे 3 बजे। सो अभी जा रहा हूँ मैं गुवाहाटी, मतलब एक्चुअली भैया घर आया था, भैया को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया मतलब सिरसर में रहते हैं, तो 5:30 बजे ट्रेन है शायद। सो अभी पहुँचना भी है, इसलिए 3 बजे निकला हूँ घर से। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आइए सीधा गुवाहाटी में मिलेंगे। निकलते हैं यहाँ से, ट्यू से निकल रहा हूँ। ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, सो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। सो निकलते हैं। तो मतलब गाड़ी से तेल नहीं है, पहले तेल डाल लेता हूँ। अभी गुवाहाटी पहुंचने वाला हूँ, तो भैया कुछ सामान लेने के लिए गया है बाहर। सो गुवाहाटी पहुंचने से पहले अपना ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके ऊपर सरायघाट ब्रिज है, सो वो मिलेंगे, सो वो भी दिखाऊंगा। पहले सरायघाट ब्रिज पहुंच चुका हूँ। गुवाहाटी पहुंच गया हूँ। और ये कौन सा शहर है? ये जालुकबारी है। सो यहाँ से हम लोग बहुत सारा रोज जाते हैं, यहाँ गुवाहाटी के अंदर भी जा सकते हैं और सीधा मतलब शिलोंग वगैरह भी जा सकते हैं और एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। सो गुवाहाटी के अंदर जाएंगे, पहले स्टेशन जाएंगे हम लोग। फाइनली गुवाहाटी में जो अपना स्टेशन है पल्टन बाजार, ये कौन सा पल्टन बाजार स्टेशन ना? ये अभी सीधा भैया को पहले छोड़ेंगे, फिर देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर अंदर जाएंगे। बॉस क्या स्टेशन बना रखा है अभी, बहुत दिन मतलब बहुत साल बाद आया हूँ मैं गुवाहाटी स्टेशन। इतना क्लीन, बहुत अच्छा बना रखा है ये स्टेशन। पहले इतना साफ सुथरा नहीं था जब आया था मैं, 6-7 साल पहले आया था, अभी आया ही नहीं तो भैया को छोड़ेंगे। लेकिन बॉस इतना क्लीन बना रखा है ना, देखिए आप लोग। छः नंबर प्लेटफॉर्म में, तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ यही ट्रेन है। भैया जाएंगे एक्चुअली सिलचर, तो गुवाहाटी से सीधा सिलचर जाएंगे। तो हम लोग जा रहा हूँ, भैया को यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ, बाय बाय दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं घर से जब आया था तो अलग मतलब ऐसे ही घर वाला कपड़ा पहन के आया था, सो अभी कपड़ा चेंज किया हूँ। सो निकलूँगा गुवाहाटी में, गुवाहाटी में बहुत दिन हो गया आया नहीं। सो देखते हैं गुवाहाटी में कहाँ कहाँ जाऊँगा, थोड़ा बहुत देख के आता हूँ गुवाहाटी में क्या है। आइए आप लोगों को भी दिखाऊँगा, देखते हैं। 6 बजा है एक्चुअली अपना यहाँ आज लोअर असम में, मतलब लोअर असम मतलब असम में जल्दी अंधेरा होता है शाम के टाइम। सो अंधेरा तो हो गया है अभी, सो अभी जा रहा हूँ मतलब स्टेशन से निकला हूँ। सो अभी जाऊँगा एक जगह पर, मतलब देखता हूँ अभी कहाँ जाऊँगा, सो आप लोगों को दिखाऊँगा। आइए सीधा चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। पहले हम लोग जाएंगे कॉमर्स कॉलेज,
हम आज कल इसके स्टॉपेज में रुकेंगे, भूख भी लगाए कुछ पहले खा लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग कुछ मतलब एक आइसक्रीम का दुकान है जहाँ मतलब वो आइसक्रीम खाने से धुआं निकलता है, नाइट्रोजन आइसक्रीम कहते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे आइसक्रीम भी खाएंगे। सो आइए चलते हैं। ट्रैफिक जाम है बहुत, आगे पहुँच गया हूँ तो अभी कुछ खाऊंगा, पहले भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। एक्चुअली बहुत सालों के बाद आया हूँ गुवाहाटी, बहुत साल आया नहीं था एंड मतलब जब मैं रहता हूँ दिल्ली में, सो जब भी आता हूँ घर आता हूँ दिल्ली मतलब गुवाहाटी आता नहीं हूँ एंड टाइम ही नहीं मिलता, घर में ही इधर घूमना उधर घूमना ऐसे ही रहता हूँ। और एक्चुअली आज आया हूँ भैया को शोर निकले, आप लोगों को दिखाया पहले, सो भैया को शोर दिया, उसके बाद थोड़ा सा घूमने के लिए आया हूँ, निकला हूँ। ये सानमाई ब्रिज है, सानमाई ब्रिज के ऊपर ही मैं हूँ अभी खड़ा। पहले आया था तो अभी बहुत साल हो गया आया नहीं। इसलिए अभी टाइम हो रखा है 9 बज रखा है, तो अभी वो जो धुआं निकलने वाला आइसक्रीम है ना वो खाने जाएंगे, अगर शॉप खुला है तो खाएंगे, नहीं तो अगर ऑफ बंद होगा तो खाएंगे नहीं। कैसे वो दुकान खुला है जो धुआं निकलने वाला आइसक्रीम मिलता है, पहले उस दुकान पे जाएंगे। आइए पहले यही है वो दुकान, आइए अंदर से हैं। यही है वो सीन, हम निकल गए। चलो मुंह पे लेके सीधा दांत से सवार रहना है, जीभ से ऐसे किस्मत कीजिए सीधा सवारना है। तो यहाँ पे आइए खाने के लिए, ये गुवाहाटी में है, कहाँ पे ये शिल्पुगिर के पास ही है, दुकान का नाम आप लोगों को दिखाया वीडियो पे, तो देखिए आप लोग। और अभी खा के यहाँ से निकलूंगा सीधा घर के लिए। ये भैया ही दुकान का ओनर है, ये एक्चुअली है कहाँ पे, ये शिल्पुगिर और चांदमारी के बीच में, चांदमारी से फॉलो है पास में, असम ट्रेवल का जो ऑफिस है उसके पास में। ठीक है यहाँ पे जरूर है, आप आइए, आप लोग गुवाहाटी आएंगे तो यहाँ पे जरूर आइए। गाइस बहुत मजा आया खा के, गुवाहाटी आएंगे तो जरूर आइए आप लोग, भैया ने बता दिया है कहाँ पे ये शॉप, सो जरूर आइएगा आप लोग। तो सीधा अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ, सो रात भी बहुत हो रखा है, रात मतलब जाने पे थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए घर ही जाऊंगा सीधा। घर पहुंच गया हूं, अभी थोड़ी देर में ही पहुंचा हूं। गाइस बहुत थक गया, और आप लोग बताइएगा वो जो धुआं निकलने वाला आइसक्रीम था ना कैसा लगा, वो कमेंट में जरूर कीजिए। वो गुवाहाटी में ही है, भैया ने बता दिया है, सो गुवाहाटी आएंगे तो वहां पे जरूर जाइए। और ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल रात को भी नहीं सोया, अभी थोड़ा सा सोता हूँ, बहुत थक रखा हूँ, कल यार रात को नींद नहीं आया पूरी रात ऐसे ही गया। सो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, कल मिलते हैं सुबह, गुड नाइट।